हेलो मित्रों, मेरा नाम है पंकज और आपको आज मैं बताऊंगा स्पर्श रेखा अवकलन का उपयोग करते हुए हम स्पर्श रेखा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास कोई वक्र है, ये हमारा वक्र है। ठीक है, कोई भी ऐसी लाइन जो इसे छूती हुई जाए यानी छूती हुई गुजरे तो वो इसकी स्पर्श रेखा कहलाती है। जैसे कि ये एक लाइन है तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे से छूती हुई गुजरती है। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी वक्त पे दो बिंदु पर जा छूती हुई गुजरती है जैसे कि ये, तो ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाएगी। स्पर्श रेखा जो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर है उसे छूती हुई जाए। ठीक है, तो अवकलन का उपयोग करते हुए हम स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं उसे आइए समझते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट ये लेते हैं कि अगर हमें, लेट सपोज हमें ये वक्र है और इस बिंदु पर हमें स्पर्श रेखा बनानी है, ये बिंदु का नाम ले लेते हैं बिंदु P। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमें कोई भी सरल रेखा बनाने के लिए कम से कम दो पॉइंट, दो बिंदुओं का होना जरूरी है। दो बिंदु होंगे तभी उन्हें मिला के एक लाइन हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक बिंदु P और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं Q जो इसके लगभग पास ही है। ठीक है, अब इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखा यहाँ पे बन जाएगी, लेकिन ये अभी स्पर्श रेखा नहीं है क्योंकि ये दो बिंदु पे इसे काट रही है। ये स्पर्श रेखा तब होगी जब ये एक की बिंदु पे इसे छूती हुई गुजरेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं जो Q है वो P के पास है, मतलब Q को जो Q है तो एक यहाँ पर Q1 ले लेते हैं पॉइंट, एक Q2 और एक यहाँ पर Q3 पॉइंट ले लेते हैं बिंदु। अब अगर हम इन्हें मिलाएंगे, इससे मिला दे P को इस वाले और इस तरह से मिलाएंगे, तो हम यहाँ देखते हैं कि बिंदु Q बिंदु P के जितने पास होता चला जाएगा हमारी जो रेखा है वो स्पर्श रेखा की ओर आधी चली जाएगी। ठीक है, तो अगर हम किसी वक्र पे, मान लीजिए वक्र है और दो बिंदु P और Q एकदम पास लेते हैं, मतलब बहुत पास, उनके बीच की जो दूरी हो बहुत ही कम है, तब अगर हम इन दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये हमारी लगभग लगभग स्पर्श रेखा ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अवकलन में उपयोग करते हैं। तो हम पाते हैं कि अवकलन इसमें कैसे बनाने में मदद करता है। तो अवकलन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा एक ग्राफ है एक्स और वाई। ठीक है, ऊपर कर लेता हूँ, एक्स एंड वाई, और ये हमारा वक्र है। अब हमें क्या कि सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, पॉइंट पी, बिंदु पी जिसके निर्देशांक है एक्स वन और कोमा वाई वन। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ से ये जो दूरी है ये दूरी कहलाएगी एक्स वन और जो इसकी ऊंचाई है वो कहलाएगी, उस दूरी को कहेंगे वाई वन। ठीक है, तो हमने कोई बिंदु ले लिया दूसरा क्यू, पर यहाँ ध्यान ये रखना कि क्यू जो है पी के बिल्कुल ही पास है, दूर नहीं है, क्योंकि पास होगा तभी वो स्पर्श रेखा बनेगी। और इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं एक्स टू कोमा वाई टू। ठीक है, तो यहाँ से पर इस लंब बना लेते हैं और इसे इसे मिला लेते हैं, तो ये जो ये वाली दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा एक्स कहलाएगी। डेल्टा एक्स मतलब एक्स में हमने जो परिवर्तन किया, और ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये कहलाएगी हमारी डेल्टा वाई, यानी कि वाई में हमने जो परिवर्तन किया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से गुजरती हुई अगर हम एक लाइन बना लेते हैं, लेट सपोज ये हमारी लाइन बन जाती है, रेखा बन जाती है। ठीक है, और ये रेखा यहाँ से थीटा एंगल बनाती है, किससे, एक्स अक्ष से। तो हमारा जो रेखा का समीकरण होता है, तो रेखा का समीकरण हमारा होता है, रेखा का समीकरण तो ये होता है वाई माइनस वाई वन बराबर एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, जो हमारा एम है उसे हम प्रवणता बोलते हैं, यानी कि ढाल, उसका ढाल कितना है लाइन का। तो एम बराबर होता है, एम बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक है, थीटा कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला जो एक्स अक्ष से रेखा एंगल बनाती है। ठीक है, तो अगर हम इस सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें, पी क्यू ये वाला जो हमारा ये वाला ट्राइंगल है। ठीक, अब इस ट्राइंगल को हम इधर बना लेते हैं बड़ा करके ताकि सही से समझ आए। तो ये हमारा ट्राइंगल इस तरह से बन गया, हमारा इस ये वाला त्रिभुज इस तरह से बन जाएगा पी क्यू, इसका नाम ले लेते हैं ओ। ठीक है, तो ये वाला था बिंदु पी एक्स वन वाई वन
एक्स वन बाई वन और ये था एक्स टू बाई टू। ठीक है, ये जो डिस्टेंस थी हमारी ये डेल्टा एक्स है और ये वाली कहलाएगी डेल्टा वाई। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ जो था जो एंगल यहाँ ये थीटा है उतना ही एंगल कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे तो इसके अनुसार ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। तो यहाँ से हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, लंब है हमारा डी वाई और आधार है डी एक्स। तो डेल्टा वाई हमारा लंब है और आधार है डेल्टा एक्स। वाई डेल्टा वाई, डेल्टा का मतलब है कि हमारा जो वाई में परिवर्तन हुआ और डेल्टा एक्स का मतलब हमारा एक्स में जो परिवर्तन हुआ। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं परिवर्तन बहुत ही छोटा है, जैसे कि हमने माना था पी और क्यू बहुत ही पास है, एक दूसरे के बहुत 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 पास है, तब क्या होगा, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो टेन टू ज़ीरो, मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू ज़ीरो के समीप है, ज़ीरो नहीं है पर वो बहुत छोटी वैल्यू है, वो ज़ीरो के समीप है। तो इस कंडीशन में डेल्टा एक्स को हम डी वाई लिखते हैं और डेल्टा वाई को हम, डेल्टा एक्स को डी एक्स लिखते हैं और डेल्टा वाई को डी वाई लिखते हैं। ठीक है, या तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वही वैल्यू है जो हम अवकलन से फाइंड करते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि अवकलन से डी वाई बाई डी एक्स कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो अब तो हमारा रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए रेखा का समीकरण हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू यानी कि एम की एम बराबर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास रेखा का समीकरण आ जाएगा वाई माइनस वाई वन बराबर एम की जगह हम पुट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स और एक्स माइनस एक्स वन। और ये डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, जिस मान लो हमें जो पॉइंट दिया होगा, जिस पॉइंट पे हमें स्पर्श रेखा बनानी है उसी पॉइंट पे हम ये डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो ये जो भी बिंदु होगा, ठीक है, तो अब इसमें हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न किस तरह से हल हो सकता है इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है वक्र 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा था स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण जो होता है वो होता है y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स बिंदु 1,1 पर, 1,1 पर और x माइनस एक्स वन। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हम अवकलन का उपयोग करते हुए फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, वो हम पहले हमने देख चुके हैं अवकलन में। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक्स वन वाई वन पॉइंट ये हैं 1,1, यानी कि जो हमारी एक्स वन कोमा वाई वन है ये हमारे 1,1 है, ये हमें दिए गए हैं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ से वक्र का जो समीकरण वो ले लेते हैं 2y बराबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dy ऊपर है, dx है नीचे, तो इसका मतलब इस समीकरण को x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 2y, 2 तो 2 ही रहता है, y का हो जाता है dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 एकदम कॉन्स्टेंट टर्म है यानी कि नियतांक है, तो नियतांक हमेशा 0 हो जाता है। और माइनस 2x, देखिए यहाँ से होता है x की पावर n का अगर हम अवकलन करते हैं तो पावर आ जाती है आगे और पावर घट जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर का मतलब x की जो पावर है 2 वो आगे आ जाएगी और जो 2 है वो घट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2x। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी माइनस 2x बटे 2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो माइनस के x आ जाएगी। ठीक है, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है 1,1 पॉइंट पर, तो सिर्फ यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है एक्स की यहाँ पुट कर दें तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगी, यहाँ रख देंगे 1,1 पर तो जाएगी माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए
ये जो हमारी इक्वेशन थी, अब यहाँ पे सब के मान हम यहाँ पे रख देंगे तो हमें इक्वेशन समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा है, अब यहाँ देख लेते हैं इधर, तो समीकरण जो हमारा था ये था y माइनस वाई वन बराबर डी वाई बाई डी एक्स बिंदु 1,1 पर और x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस 1 थी और x माइनस एक्स वन की वैल्यू भी हमारी 1 है। तो यहाँ से होगा y माइनस 1 बराबर माइनस एक्स प्लस 1, तो y प्लस एक्स बराबर 2। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण प्राप्त हो गया स्पर्श रेखा का। स्पर्श रेखा मतलब कि ये जो हमारी समीकरण थी, ये वक्र, इस वक्र का इस बिंदु पर जो सरल रेखा का समीकरण होगा स्पर्श रेखा का, वो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमारा वक्र ये है और पॉइंट ये है 1,1, तो ये जो लाइन बनी, इस लाइन का समीकरण होगा ये। ठीक है, धन्यवाद।